मैं दार्जिलिंग का सांसद, मुझे दुख तकलीफ इस बात का है कि यहाँ पे जो टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान लगे थे उसमें से ज्यादातर 43 जवान यहाँ पे मौजूद थे, अफसर और जेसीओ मिला करके, और उसमें से ज्यादातर लोग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के थे, और वो सब लोग जो है अमर रहे और उन्होंने देश के लिए सेवा करते हुए उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है, और मैं इतना कह सकता हूँ उनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, और उन्होंने जिस तरह से अंतिम सांस तक देश की सुरक्षा और देश की रक्षा करते हुए उन्होंने जो बलिदान दी है, हम सबको, हमारे जैसे तमाम युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, और वो हमारे बीच हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मैं उन सबके परिवार के प्रति मेरी सांत्वना है, और पूरा हिंदुस्तान उनके परिवार के साथ है, और जो लोग भी जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के वो अपने घरों को लौटे। ये कठिन समय है मणिपुर के लिए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हैदराबाद का NEC मीटिंग भी कैंसिल करके यहीं पे डटे हुए पिछले 3 दिनों से लगातार, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से फौज, यहाँ की सिविलियन और NDRF STRF के लोग लगे हुए हैं, रेलवे के लोग लगे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे, और बहुत दुख के साथ और बड़े मन के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये बहुत ही बड़ी क्षति देश के लिए और मणिपुर राज्य के लिए। प्रेजेंटिंग पंचनाई परम ज्योति बाय पंचनाई ग्रुप, अ होम विद एमिनिटीज डिजाइन टू डिलीवर वंडरफुल एक्सपीरियंसेस फॉर यू एंड योर फैमिली एट एन अफोर्डेबल प्राइस। Built across 2 bighas, Panchanai Param Jyoti offers choice in the form of 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. No matter what your family size or your family's needs, there will always be room for happiness. One of the most rewarding experiences is to be able to give our families the life they truly deserve with Param Jyoti. It is precisely this opportunity that we offer you.